नमस्कार, मैं प्रिया। आज 11 अप्रैल। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप बिहार से जुड़ी जानकारियों से अपडेटेड रहना चाहते हैं, जिसमें आप बिहार के इतिहास, भूगोल या किसी भी जानकारी से रूबरू होना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल रूबरू बिहार को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको ज्ञान बिहार के सेगमेंट मिलेगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य आज लेंगे शपथ। संक्रामक बीमारियों पर रोक के लिए बिहार में अनोखी पहल। बिहार के सरकारी स्कूल में चलेगी निपुण बिहार योजना। अब विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति। बिहार में मिले कोरोना के 2 मामले। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य आज लेंगे शपथ। बिहार विधान परिषद चुनाव के परिणाम हाल ही में जारी किए गए हैं, जिसके बाद से ही चुनाव जीतने वालों की चर्चा हर तरफ हो रही है। वहीं सभी को इन सभी सदस्यों के शपथ ग्रहण का इंतजार था, जो कि आज खत्म होने वाला है। 24 विधान पार्षदों को सोमवार को परिषद की सदस्यता दिलवाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह दोपहर 3 बजे विधान परिषद की NXC सभागार में नवनिर्वाचित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को नवनिर्वाचित विधान पार्षदों के निर्वाचन की विधिवत अधिसूचना जारी कर दी है। उसके बाद शनिवार को विधान परिषद सचिवालय को इसकी सूचना भेज दी गई थी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे निखिल कुमार की। निखिल कुमार भारत के केरल राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें नागालैंड के राज्यपाल के पद से स्थानांतरित करके केरल का राज्यपाल नियुक्त किया था। वो औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं और वहां से सांसद रह चुके हैं। निखिल कुमार भारतीय पुलिस सेवा के 1963 बैच के अधिकारी थे। वो दिल्ली के पुलिस आयुक्त, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के निदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल में निदेशक रहने के अलावा भारत सरकार के गृह मंत्रालय से विशेष सचिव भी रहे। सेवानिवृत्त के उपरांत उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया था। बाद में वो राजनीति में आए और औरंगाबाद से कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने थे। संक्रामक बीमारियों पर रोक के लिए बिहार में अनोखी पहल। बिहार के गांव कस्बों में आए दिन आपको भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों का पता चलता ही होगा। बिहार में एक्यूट गैस्ट्रो एंटेरोराइटिस, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, डेंगू, डिप्थेरिया जैसी बीमारी की चर्चा आम है। हालांकि अब तक इन बीमारियों पर नजर रखना स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती का काम था, लेकिन अब समस्या का समाधान करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने करीब 3 दर्जन बीमारियों के पल पल के अपडेट को इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल पर शुरू कर दिया है। बीमारियों पर नजर रखने के लिए ANM की विशेष भूमिका होगी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पोर्टल ने काम करना भी शुरू कर दिया है। जय श्री राम के जयकारों से गूंजा पटना शहर। बीते दिन रामनवमी के मौके पर पूरा बिहार गुंजायमान हो उठा। कोरोना काल के 2 साल के बाद इस बार श्रद्धालुओं की भक्ति देखने को मिली। आलम कुछ यूं रहा कि पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। कोरोना के कारण बीते कुछ समय से मंदिरों में भीड़ तो नहीं दिखती थी, लेकिन कोरोना काल से पहले से रामनवमी के दिन पटना के महावीर मंदिर में सबसे अधिक श्रद्धालु आते थे। श्रद्धालुओं की श्रद्धा का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शनिवार की रात 9 बजे से ही पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर परिसर के बाहर श्रद्धालुओं की कतार लगने लगी थी। देखते देखते श्रद्धालुओं की लाइन लगभग 2 किलोमीटर लंबी लग गई। वहीं रामनवमी के मौके पर रविवार को लोग मंदिरों में से लेकर के घर तक तैयारी में लगे दिखे। शहर स्थित विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। बिहार में मिले कोरोना के सिर्फ 2 मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 15 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना में 1 और सीतामढ़ी में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 62,000 सैंपल की जाँच की गई। वहीं 2 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड बेसिल ने निकाली रिक्तियां। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड बेसिल ने कार्यालय सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर के कुल मिलाकर 378 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक डेटा एंट्री ऑपरेटर की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 25 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.basil.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में चलेगी निपुण बिहार योजना। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में निपुण बिहार योजना की शुरुआत होने वाली है, जिसकी जानकारी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खुद ही दी है। शिक्षा मंत्री की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे एक मेहती अभियान के तहत पढ़ने लिखने, अक्षर पहचानने, उसका अर्थ बताने में दक्ष किए जाएंगे। जोड़ घटाव और उम्र सापेक्ष अन्य संख्यात्मक कार्यकलापों को हल करने में भी वो सक्षम होंगे। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग इसको लेकर जून के पहले सप्ताह में राज्य भर
के प्रारंभिक स्कूलों में निपुण बिहार योजना आरंभ करने जा रहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव ने गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुलते ही इसे शुरू करने का निर्देश दिया है। इस साल कालाजार मुक्त हो जाएगा बिहार। बिहार को कालाजार मुक्त करने की मुहिम शुरू हो गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार से कालाजार का उन्मूलन साल 2022 तक करने का लक्ष्य है। इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग राज्य के 32 जिलों के सर्वाधिक कालाजार प्रभावित चिन्हित गाँव में सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड दवा का छिड़काव कर रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की माने तो कालाजार उन्मूलन को लेकर विभाग का कार्य काफी सराहनीय रहा है। कई स्तर पर किए जा रहे अथक प्रयासों का नतीजा है कि बिहार कालाजार उन्मूलन के काफी नजदीक है। सबसे खास बात यह है कि राज्य में अब मात्र 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बच गए हैं जहां से कालाजार का उन्मूलन होना है, जिनमें सारण जिला अंतर्गत इसुबापुर और सिवान जिला अंतर्गत गोरिया कोठी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। इसको लेकर विभाग एक प्रभावी रणनीति पर भी काम कर रहा है। मुंगेर के 2 जवान राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार पदक से हुए सम्मानित। मुंगेर के आकाश कुमार बादल और देव संत कुमार को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार पदक से सम्मानित किया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुंगेर शहर के कटघर के रहने वाले बिहार पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर हरिनंदन पासवान का मंझला बेटा आकाश, जबकि बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत नया छावनी के रहने वाले मिथिलेश प्रसाद यादव के बेटे हैं और CRPF जवान देव संत कुमार। आकाश की शुरुआती शिक्षा मुंगेर जिला स्कूल से हुई थी। मुंगेर के ही RD एंड DJ कॉलेज में उन्होंने आगे की पढ़ाई की। साल 2013 में आकाश ने CISF में बतौर कांस्टेबल ज्वाइन किया था। 2015 में आकाश ने CPO की परीक्षा दी और CRPF में सब इंस्पेक्टर के रूप में 183वीं बटालियन में पुलवामा में तैनात हुए थे। रामनवमी के कारण बेटी के जन्मदिन पर DIG को नहीं मिली छुट्टी, हुए भावुक। पुलिस की वर्दी धारण कर लेना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि पुलिस की वर्दी के साथ ही जिम्मेदारियों का बोझ भी बराबर आता है और कई बार इसके लिए एक पुलिसकर्मी को अपना व्यक्तिगत जीवन अलग रखना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ है सहरसा के DIG IPS शिवदीप लांडे के साथ, जब रामनवमी के कारण उनकी छुट्टी स्थगित कर दी गई और बेटी की खुशी पर ड्यूटी की जिम्मेदारी भारी पड़ी। इसको लेकर शिवदीप लांडे ने खुद सोशल मीडिया पर अपना एक भावुक संदेश साझा किया। IPS शिवदीप लांडे ने अपने फेसबुक पेज पर बेटी को कंधे पर उठाए अपनी एक तस्वीर साझा की और लिखा कि अरहाब, मुझे माफ करना, यहां से छुट्टी ना मिल पाने की वजह से मैं आपके बर्थडे पर आज मुंबई में आपके पास नहीं हो सकता हूं। मैंने सर्वदा खाकी के फर्ज को सर्वोपरि माना है, परंतु शायद मैं ये भूल गया था कि खाकी में कोई पिता नहीं होता। अब विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जरिए अब विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति होने वाली है। इनकी नियुक्तियों की जानकारी विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जारी की जाएगी। जल्द ही करीब 4000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। रिक्त पदों का ब्यौरा सॉफ्टवेयर में अपडेट करने की भी योजना है। वहीं राज्य के डिग्री कॉलेज में प्राचार्यों की नियुक्ति बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए कराई जाएगी। जानकारी के आधार पर शिक्षा विभाग बिहार कर्मचारी चयन आयोग को बहाली के लिए प्रस्ताव भेजेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसके लिए बिहार में तकरीबन 227 संबंध डिग्री कॉलेज है। संबंध डिग्री कॉलेज को उसके छात्र छात्राओं के स्नातक परीक्षा के श्रेणीवार रिजल्ट के आधार पर अनुदान देने की व्यवस्था है। परिवहन विभाग का भरा खजाना। परिवहन विभाग का राजस्व आय भी बढ़ने लगा है। लखीसराय जिले में बालूघाट चालू होने के बाद विभाग को ये उपलब्धि हासिल हुई है। विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बालू वाहन ओवरलोडिंग, जुर्माना और टैक्स के जरिए हर महीने 1 करोड़ से भी अधिक की राशि का राजस्व प्राप्त हो रहा है। इससे विभाग मालामाल हो रहा है। साल 2021-22 की समाप्ति के बाद जिले में परिवहन विभाग को निर्धारित कुल वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 16 करोड़ 29 लाख के विरुद्ध 13 करोड़ 93 लाख 79 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। इसमें 1 करोड़ 12 लाख की राशि सिर्फ ओवरलोड वाहनों से प्राप्त हुई थी। रोड सेफ्टी अभियान के तहत की गई कार्रवाई में 4,72,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। पदाधिकारियों को मिला 28 नगर निकायों का अतिरिक्त प्रभार। बीते दिन बिहार के 28 नगर निकायों का प्रशासन संभाल रहे बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार नगर सेवा के अधिकारियों को प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के लिए बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान भेजने का काम किया गया। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 4 अप्रैल से शुरू हुआ यह आवासीय प्रशिक्षण 6 मई तक चलेगा। इस अवधि में नगर निकायों का काम प्रभावित हो रहा है, इसलिए पास के नगर निकायों में कार्यरत अधिकारियों को प्रशिक्षण की अवधि के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। समर स्पेशल ट्रेनों का शुरू होगा परिचालन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, CSMT मुंबई और मालदा टाउन के बीच एक समर स्पेशल गाड़ी यानी कि गाड़ी संख्या
01031101032 CSMT मालदा टाउन CSMT समर स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन करने का निर्णय रेलवे की तरफ से लिया गया है। स्पेशल ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से 11 अप्रैल से 6 जून तक सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को और मालदा टाउन से 13 अप्रैल से 8 जून तक सप्ताह के हर बुधवार को चलेगी, जिसके परिचालन के समय को रेलवे ने जारी कर दिया है। इसी बीच रेलवे ने गर्मियों में लोगों की भीड़ को देखते हुए समर स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत कर दी है। गया के महाबोधि मंदिर में जूट के चप्पल से होगी एंट्री। गया के बोधगया प्रखंड के बिघा गांव में जीविका से जुड़ी महिलाएं जूट से चप्पल बनाने का काम कर रही है। सबसे खास बात यह है कि इस चप्पल को पहनकर अब आप महाबोधि मंदिर में जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस चप्पल से महिलाओं की अच्छी कमाई भी हो रही है। एक चप्पल पर 50 रुपए का मुनाफा हो रहा है। इसको लेकर कुछ दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि महाबोधि मंदिर के अंदर चमड़े का चप्पल पहनकर ना जाए। इसके बाद पाव दान बना रही महिलाएं और युवतियों को मौका मिल गया है और अपने हुनर को उड़ान देने का और आज कमाल कर दिया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार चप्पल बना रही महिलाओं ने यूट्यूब का सहारा लिया, पहले कपड़ों से बनाना सीखा और उसके बाद जूट का चप्पल बनाने लगी हैं। रग्बी राष्ट्रीय कोच कैंप के लिए बिहार से 20 खिलाड़ियों का हुआ चयन। रग्बी राष्ट्रीय कोच कैंप के लिए हाल ही में बिहार के युवाओं का चयन हुआ है। इसमें पूर्णिया के लिए खुशखबरी है क्योंकि पूर्णिया के होनहार युवा और कोच शुभमानंद का चयन रग्बी राष्ट्रीय कोच कैंप के लिए हुआ है। रग्बी राष्ट्रीय कोच कैंप के लिए पूर्णिया से एकमात्र शुभमानंद का चयन किया गया। इसमें चयन से यहाँ पूर्णिया के बनमनखी प्रखंड के हरिमुढ़ी पंचायत में खुशी का माहौल है। राष्ट्रीय रग्बी कोच कैंप के लिए बिहार से 20 लोगों का चयन भी किया गया। उन 20 में से पूर्णिया से शुभमानंद भी है। वर्तमान में शुभमानंद पूर्णिया जिला के रग्बी सचिव, कोच और रग्बी के राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। ये शिविर रग्बी इंडिया की तरफ से KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा में 24 से 30 अप्रैल तक होना है। बिहार में नहीं शुरू हो सका बूस्टर डोज का टीकाकरण। देशभर में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज के टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। ये बूस्टर डोज का टीकाकरण सिर्फ निजी वैक्सीनेशन सेंटर पर ही उपलब्ध है। इसके लिए लोगों को पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच आखिरी समय में वैक्सीन की कीमतों में आए बदलाव की वजह से प्रदेश के प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के संचालक कन्फ्यूजन की स्थिति में है। इस कन्फ्यूजन की स्थिति की वजह से प्रदेश में रविवार को कोरोना टीका का बूस्टर डोज शुरू नहीं हो सका। रूबन हॉस्पिटल के डायरेक्टर सत्यजीत सिंह ने जानकारी दी है कि बूस्टर डोज के वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग में कन्फ्यूजन की स्थिति है। सोमवार सिविल सर्जन कार्यालय से कंफ्यूजन दूर करने के बाद ही बूस्टर डोज वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी। इसी प्रकार का जवाब सभी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के संचालकों से मिला है। पुल चुराने के मामले में राजद नेता के संलिप्त होने की जानकारी हुई गिरफ्तारी। हाल ही में बिहार में पुल के गायब होने की जानकारी निकल करके सामने आई थी, जिसके बाद से ही पुल को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मामले को लेकर सरकार का घेराव किया था। इसी बीच बिहार के रोहतास में फिल्मी स्टाइल में हुए लोहे के पुल चोरी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस चोरी मामले की जांच के लिए बनाए गए SIT के नेतृत्व कर रहे विक्रमगंज के SDPO शशि भूषण ने पूरे मामले की जानकारी दी है और इस मामले में अब तक एक राजद और समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हर वर्ग, हर तबके और हर क्षेत्र के विकास का काम किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। बीते दिन चुनाव प्रचार का शोर थम गया और आखिरी दिन खुद सीएम नीतीश एनडीए प्रत्याशी के पक्ष पे वोट मांगने के लिए बोचहा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने 2005 से अब तक हर वर्ग, हर तबके और हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। अभी चुनाव का समय है, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ मत सुनिए, अपने क्षेत्र में हुए विकास को देखिए और एनडीए के पक्ष में वोट दीजिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि बोचहा में विकास हुआ है। आथर में 73 करोड़ से बूढ़ी गंडक नदी पर पुल बना है। अब पहुंच पथ जून तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद मुशहरी का ये इलाका सीधे दरभंगा फोरलेन और NH-28 से जुड़ जाएगा। तेजस्वी का दिखा लालू स्टाइल। बोचहा विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन यानी कि रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद उम्मीदवार अमर पासवान के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए उनका लालू स्टाइल भी दिखाया, जिसके तहत ही उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम बनने के लिए मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। लालू यादव की स्टाइल में तेजस्वी बोलते देखे गए कि अभी कोनो हड़बड़ी ना बा, अभी तब ब्याह हुआ है, अभी तक लड़का भी नहीं हुआ है। चिराग दो विभाग में बने हिंदी सलाहकार समिति सदस्य। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को बीते दिन बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिसके तहत ही उन्हें भारत सरकार के दो विभाग में हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पासवान को पत्र लिखकर अपने मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति में मनोनीत किए जाने की जानकारी दी। राजनीतिक उठापटक के बीच चिराग को मिली जिम्मेदारी के बाद लोजपा प्रमुख ने भी खुशी जाहिर की है।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिड़ी का सन 2000 में उनकी पहली रचना इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया था। ऋषिकेश में स्टील के तारों से बना लक्ष्मण झूला 1937 में जनता के लिए खोला गया। महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का 1869 में जन्म हुआ। भारतीय मॉडल पूनम पांडे का 1991 में जन्म हुआ। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले युवा क्रांतिकारियों में से एक अनंत लक्ष्मण कन्हरे का निधन 1910 को हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का निधन 1977 में आज के दिन हुआ था। राजस्थान ने रोमांचक मुकाबले में लखनऊ को 3 रनों से हराया। जर्मन हेटमायर की नाबाद 59 रनों की आतिशी पारी और युजवेंद्र चहल के 41 रनों पर 4 विकेट लेने की घातक गेंदबाजी से राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को रविवार को आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में 3 रन से हार का स्वाद चुखाया। राजस्थान ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 165 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम 8 विकेट पर 162 रन ही बना सकी। राजस्थान ने 4 मैचों में 3री जीत दर्ज की, जबकि लखनऊ को 5 मैच में 2री हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ की तरफ से डीकॉक ने 39 रन और स्टॉइनिश ने 17 गेंद में 38 रनों की दमदार पारी खेली। व्हाट्सएप ने अपने सभी यूजर को दी चेतावनी। व्हाट्सएप सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन में से एक है। दुनिया भर में व्हाट्सएप के लगभग 200 करोड़ यूजर है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो आज के समय में व्हाट्सएप का इस्तेमाल ना करता हो। ऐसे में ऐप की मदद से ना सिर्फ मैसेज शेयर किए जा सकते हैं, बल्कि फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट भी चुटकियों में शेयर किए जा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका अकाउंट भी अब बैन हो सकता है अगर आप नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है, किसी दूसरे के नाम से फर्जी अकाउंट बना हुआ है, तो ओरिजिनल के बजाय थर्ड पार्टी ऐप्स यूज करते हैं तो फिर, और ऑटोमेटेड या फिर बल्क मैसेज भेजने का काम कर रहे हैं तो भी, और व्हाट्सएप का पर्याप्त उपयोग नहीं कर रहे हैं तो भी आपका व्हाट्सएप बंद हो सकता है। केबीसी का शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, अमिताभ बच्चन ने पूछा पहला सवाल। बनेगा करोड़पति अपने 14वें सीजन के साथ धमाकेदार वापसी करने के लिए कमर कसकर तैयार है। स्क्विड शो के होस्ट और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने शो का पहला सवाल पूछ लिया है, जिसका सही जवाब देने के लिए आप और सिर्फ बीते दिन रात 9 बजे तक का ही समय था। करंट अफेयर से जुड़े सवाल का सही जवाब देकर आप अगले राउंड में आसानी से पहुंच सकते थे। केबीसी 14 के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए और अमिताभ बच्चन ने अपना पहला सवाल पूछा था कि वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, जिनका नाम अभी हाल ही में रखा गया, किस शहर का रेलवे स्टेशन है। सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको सोने लिव ऐप भी डाउनलोड करना था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सिमरन सिंह, नुनू कुमार, गौतम कुशवाहा, राकेश कुमार, केशव कुमार सिंह, परवेज आलम, महेश दास, रंजीत मिश्रा, महेश मंडल, अंकित कुमार, सागर कुमार, रोहित कुमार, अरमान खान। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। कोरोना से बचाव के लिए क्या आप बूस्टर डोज लेने के लिए तैयार है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।